वेलकम टू यूपीएससी अ ड्रीम। स्वागत है आपका यूपीएससी के इस सफ़र में। आज बात करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर्स की, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। आज का जो करंट अफेयर्स है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। किस बैंक ने घोषणा की है कि उपयोगकर्ता डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए बिना एटीएम से नकदी निकाल सकते हैं? इसकी घोषणा की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। इसके तहत बिना एटीएम या क्रेडिट कार्ड के ही नकदी निकाली जा सकती है, सिर्फ ओटीपी के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं दिल्ली मेट्रो की। दिल्ली मेट्रो है दुनिया की सबसे महंगी सेवा है। इसका किराया बढ़ाने के बाद में ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला कि दिल्ली मेट्रो को दुनिया की दूसरी सबसे महंगी सेवा का दर्जा देना पड़ा। उसके बाद आगे बात करते हैं एसाइड्स ऑफ ट्रूथ अजर्नी डिरेल्ड। यह पुस्तक लिखी है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही जाने पहचाने वकील भी हैं। उसके बाद बात करते हैं रेलवे मंत्रालय ने एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम है आपूर्ति ऐप। आपूर्ति ऐप है ये रेलवे के अंदर ई खरीद प्रणाली को पारदर्शी और सुगम्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने दो ऐप लॉन्च किए, उत्तम ऐप और खान प्रहरी ऐप। ये कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं शिवांगी पाठक जो हरियाणा की रहने वाली है। ये इनसे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, किलिमंजारो फतह करने वाली, और हाल ही में इन्होंने माउंट एल्ब्रस भी फतह कर लिया है जो यूरोप में है। माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सर्वोच्च शिखर है जो नेपाल में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में है, अफ्रीका महाद्वीप में। माउंट एल्ब्रस है यूरोप में है। ये काफ़ी कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाली है, महज इनकी उम्र 16 साल के लगभग है। उसके बाद बात करते हैं काव्यांजलि दिवस। काव्यांजलि दिवस मनाने का फैसला अभी भारत सरकार ने लिया है 16 सितंबर को। अटल बिहारी जी की डेथ हुई थी 16 अगस्त को, तो उसके एक महीने बाद ही 16 सितंबर को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक दिवस। आज से 2 वर्ष पूर्व 28 सितंबर को ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए, लेकिन ये कुछ हद तक सफल हुई थी, पूर्ण रूप से नहीं। तो सर्जिकल स्ट्राइक है 28 सितंबर को दिवस मनाया जाएगा, सर्जिकल स्ट्राइक दिवस। उसके बाद बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी जीती है इंडिया ब्लू टीम ने, इंडिया ब्लू टीम द्वारा जीती गई आपकी दिलीप ट्रॉफी। उसके बाद बात करते हैं एयरो इंडिया 2019 एक्सपो, ये बेंगलुरु में ही आयोजित होगा। इसके बीच कंट्रोवर्सी ये रही थी कि CM योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने कहा था कि ये लखनऊ में किया जाए। निर्मला सीतारमण से बात भी की थी इस मामले में, लेकिन उसके बाद कर्नाटक नाराज हो गया था। सो उसके बाद में ये एयरो इंडिया 2019 से इसका आयोजन बेंगलुरु में ही करना निश्चित किया गया। उसके बाद बात करते हैं आगे फेस रिकग्निशन प्रणाली अपनाने वाला एशिया महाद्वीप का पहला जो एयरपोर्ट है वो है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटक। ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये फेस रिकग्निशन के द्वारा एंट्री देने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है। विदाउट बोर्डिंग पास यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, सिर्फ अपना फेस स्कैन करो और एंट्री लो, यहाँ पर किसी भी बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं होगी। सो ये था फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है आज का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।